हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2, दैट इज टर्म्स ऑफ ट्रेड। सबसे पहला टॉपिक है हमारा मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग, द टर्म्स ऑफ ट्रेड रिफर टू द रेट एट विच द गुड्स ऑफ वन कंट्री एक्सचेंज फॉर द गुड्स ऑफ अनदर कंट्री। यानी कि जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को गुड्स एक्सपोर्ट करती है तो सामने से वो उस कंट्री से कितना इम्पोर्ट कर रही है, इसका जो रेशियो होता है उसको क्या बोलते हैं, टर्म्स ऑफ ट्रेड। जिस भी कंट्री का एक्सपोर्ट प्राइस इंक्रीज हो जाता है, यानी कि जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उन गुड्स का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गया, तो क्या होगा, हमको ही फायदा होगा क्योंकि अब हम ज्यादा प्राइजेस में अपने गुड्स को बेच सकते हैं। तो जिस भी कंट्री का एक्सपोर्ट प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो उनका टर्म्स ऑफ ट्रेड इम्प्रूव माना जाएगा। और अगर इम्पोर्ट प्राइस बढ़ गया, यानी कि हम जो फॉरेन गुड्स खरीद रहे हैं वो हमको महंगे पड़ रहे हैं, तो अगर इम्पोर्ट प्राइस बढ़ जाएगा तो टर्म्स ऑफ ट्रेड कैसा हो जाएगा, वर्सन। क्लियर? एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। टर्म्स ऑफ ट्रेड कैन बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ PX by PM into 100, where PX है प्राइस इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ इम्पोर्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक कंट्री है, उसने एक्सपोर्ट किया है $50 वर्थ ऑफ प्रोडक्ट का, इन एक्सचेंज ऑफ सामने से इम्पोर्ट कितना किया, $100 वर्थ का इम्पोर्ट किया। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या हो जाएगा, PX by PM, एक्सपोर्ट है 50, इम्पोर्ट है 100, तो 50 by 100 is 0.5 टर्म्स ऑफ ट्रेड होगा इस कंट्री का। अब आगे आता है टाइप्स ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड। 7 टाइप्स है, एक एक करके सारे देखेंगे। ग्रॉस बार्टर, नेट बार्टर, इनकम टर्म्स, सिंगल फैक्टोरियल, डबल फैक्टोरियल, रियल कॉस्ट एंड यूटिलिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड। सो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट हमारा जो बीकॉम सेम 4 का बैच है, जिसमें हम आपको 5 सब्जेक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, उसमें से एक इंटरनेशनल ट्रेड फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। बाकी के जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि कॉस्ट अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिक्स, टैक्सेशन और ऑडिटिंग, इन सब की प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छे से हो सकती है इन जस्ट 2,399 रुपीज ओनली। आप हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एनी अदर इंफॉर्मेशन यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सबसे पहला हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो है ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। ग्रॉस बार्टर और नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड में जो डिफरेंस है वो किसने समझाया हमको, टॉजिंग इन 1927। जो ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो क्वांटिटी इंडेक्स को लेता है। क्लियर? तो उसको हम किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, MQ यानी कि इंपोर्ट क्वांटिटी इंडेक्स डिवाइडेड बाय XQ यानी कि एक्सपोर्ट क्वांटिटी इंडेक्स इनटू 100। क्लियर? द बेस ईयर विल सर्व एज द बेंचमार्क पीरियड। बेस ईयर क्या होता है, जिस ईयर से हम आगे के ईयर में इंप्रूवमेंट हो रहा है या वो डिटेरिएट हो रहा है, ये सब कंपेयर कर सके, उसको हम बोलते हैं बेस ईयर। यहाँ पे हमने 2003 को बेस ईयर मान के पूरा ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड निकाला है। सबसे पहले 2003 का ऊपर क्या आता है, इंपोर्ट क्वांटिटी इंडेक्स MQ 100 है, तो जो बेस ईयर है उसमें हम सब 100 ही मानेंगे। MQ बाय XQ 100 बाय 100 इंटू 100 इज 100, तो बेस ईयर का ग्रॉस बार्टर कितना आ गया, 100। अब 2004 में क्या होता है, हमारा जो इम्पोर्ट क्वांटिटी है वो हमने इंक्रीज कर दिया। क्लियर? यानी कि हम उतने ही गुड्स एक्सपोर्ट करके अब ज्यादा गुड्स उसके बदले इंपोर्ट कर पा रहे हैं, तो 120 बाय 100 इंटू 100 इंडेक्स क्या आया, 120। बेस ईयर से ये कितना हो गया, 20% बढ़ गया, तो ये क्या हो गया हमारा, इंप्रूवमेंट। क्लियर? 2005 में देखेंगे तो जो एक्सपोर्ट क्वांटिटी इंडेक्स है वो इंक्रीज हो गया और इंपोर्ट क्वांटिटी जो था वो डिक्रीज हो गया। यानी कि हम गुड्स एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और सामने से जो क्वांटिटी हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो कम है। सो 100 बाय 120 इनटू 100 विल बी 83.33। यहाँ पे हम डिटेरिएट हो गए, हमारा जो ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो यहाँ पे गिर गया। क्लियर? जितना ज्यादा ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड होगा उतना ही ज्यादा इंप्रूवमेंट, यानी कि टर्म्स ऑफ ट्रेड कैसे होगा, फेवरेबल होंगे उस कंट्री के लिए, और जितना ये कम होगा उतना ही अनफेवरेबल। क्लियर? नेक्स्ट आता है नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। डिफरेंस सिर्फ यही है, वो क्वांटिटी इंडेक्स लेता है और ये प्राइस इंडेक्स लेता है। ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड कॉन्सेप्ट यूजेस क्वांटिटी इंडेक्स, व्हाइल नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, नेट बार्टर का दूसरा नाम ये भी है कमोडिटी टर्म कॉन्सेप्ट, ये क्या करता है, इट मेक यूज ऑफ प्राइस इंडेक्स फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इसलिए इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज n इज इक्वल्स टू n, यानी कि नेट बार्टर या कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड इक्वल्स टू
px by pm into 100, price index of export by price index of import into 100. क्लियर? इसको भी एक एग्जांपल से समझेंगे. बेस ईयर यहाँ पे भी 23 लिया है, बेस ईयर में सब 100 रहेगा, तो प्राइस इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट बाय इंपोर्ट इनटू 100 विल बी 100. नेक्स्ट 2004 में क्या होता है, हमारा जो वर्थ ऑफ एक्सपोर्ट था यानी कि प्राइस इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट वो बढ़ गया, यानी कि अब हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं एज कम्पेयर टू इम्पोर्ट. तो 120 बाय 100 इनटू 100 कितना आया, 120 इंक्रीज हो गया. 2005 में क्या हुआ, हम ज्यादा इंपोर्ट करने लगे थे एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट, ज्यादा वर्थ का. यहाँ पे क्वांटिटी नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे वर्थ देख रहे हैं. तो ज्यादा वर्थ का हम इंपोर्ट करने लगे थे और एक्सपोर्ट जो है हमारा वो कम हो गया था, तो प्राइस इंडेक्स गिर जाएगा 83.33, ये डिटेरिएट. क्लियर? तो नेट बार्टर सिस्टम में प्राइस लिया जाता है, यानी कि कितना वर्थ इंपोर्ट और कितना वर्थ एक्सपोर्ट हो रहा है. तो अगर एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो प्राइस इंडेक्स बढ़ जाएगा, और इंपोर्ट ज्यादा होगा तो प्राइस इंडेक्स कम हो जाएगा. क्लियर? नेट बार्टर में प्राइस था, ग्रॉस बार्टर में क्वांटिटी देखी जा रही थी. क्लियर? बट हार्बुलर हैज हाउएवर आर्ग्यूड दैट द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ अ कंट्री विल मैक्सिमाइज नॉट व्हेन द कमोडिटी टर्म्स आर मैक्सिमाइज बट व्हेन दे आर ऑप्टिमाइज्ड. यहाँ पर इनका कहना ये है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड बढ़ने से ये नहीं है कि सोशल वेलफेयर होगा. ठीक है, जो भी इंटरनेशनल ट्रेड का गेन हुआ है वो अगर कंट्री के लोगों को ना मिले तो सोशल वेलफेयर कैसे होगा. ठीक है, तो यहाँ पे हर्बुलर हमको ये कहना चाहते हैं कि कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड को इंक्रीज करके कंट्री का सोशल वेलफेयर नहीं होगा, जबकि इंटरनेशनल ट्रेड से जो भी गेन हुआ है उसका सही इस्तेमाल करने से ही कंट्री का वेलफेयर होगा. नेक्स्ट थर्ड आता है इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड. दिस इंडेक्स टेक्स इनटू अकाउंट द वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ अ कंट्री एंड इट्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट प्राइसेस. यानी कि ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्राइसेस यानी कि नेट बार्टर तो आ ही गया, उसके साथ साथ ये क्या लेगा, वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ अ कंट्री, उस कंट्री ने कितना एक्सपोर्ट किया. वॉल्यूम क्या होता है, क्वांटिटी इंटू प्राइस. ठीक है, इसलिए इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, टी वाई यानी कि इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड इक्वल्स टू टी सी. टी सी क्या था, नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड का ही दूसरा नाम था कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड. सो टी सी इंटू क्यू एक्स. क्यू एक्स क्या है, वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ अ कंट्री. क्लियर, टी सी को हम लिख सकते हैं नेट बार्टर वाला जो है पी एक्स बाई पी एम, और क्यू एक्स इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे. सो नेट बार्टर इनटू एक्सपोर्ट वॉल्यूम ऑफ द कंट्री, तो क्या आ जाएगा, इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड, इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट प्राइसेस इनटू एक्सपोर्ट क्वांटिटी डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट प्राइसेस. क्लियर, टी वाई टी सी क्यू एक्स रिस्पेक्टिवली गिवन है यहाँ पे. अब इसका भी एक प्रॉब्लम है, द इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड फेल्स टू मेजर प्रिसाइसली द गेन और लॉस फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड. अब ये फॉर्मूला तो बन गया, टर्म्स ऑफ ट्रेड तो आ जाता है, लेकिन इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड हमको एग्जैक्ट गेन या एग्जैक्ट लॉस जो हुआ है वो नहीं बता पाता. व्हेन द कैपेसिटी टू इंपोर्ट ऑफ अ कंट्री इंक्रीजेस इट सिंपली मींस दैट इट इज आल्सो एक्सपोर्टिंग मोर देन बिफोर. अगर वो इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है तो वो पहले से एक्सपोर्ट भी ज्यादा कर रहा होगा. इनफैक्ट अगर एक्सपोर्ट बढ़ गया, यानी कि हर बार एक्सपोर्ट अच्छा नहीं होता. अब एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, हम वो चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो नेचुरल रिसोर्सेज किसी दूसरी कंट्री को दे देना ये हमारे लिए फायदेमंद नहीं होता है हर बार. क्लियर, इसलिए ये इसका लिमिटेशन है. नेक्स्ट टाइप है सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड. दिस कॉन्सेप्ट वॉज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर वाइनर. It allows changes in the domestic export sector. It shows the country's sectorial terms of trade improves as productivity improves in the export industry. अगर export industry की productivity बढ़ेगी तो terms of trade अपने आप increase हो जाएगा. For example, the prices of its export may fall relatively to the import prices as a result of increase in the productivity of export industry of a country. यानी कि हमने कम्युनिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड में पढ़ा था कि अगर एक्सपोर्ट प्राइसेस डिक्रीज हो जाते हैं तो टर्म्स ऑफ ट्रेड भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, तो अगर एक्सपोर्ट प्राइसेस कम होता है तो कम्युनिटी टर्म्स यानी कि नेट बार्टर कम्युनिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड तो गिरेगा, लेकिन फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा. भले ही एक्सपोर्ट प्राइस कम हो गए हैं लेकिन वो जो हम चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो सस्ती इसलिए पड़ रही है क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई.
क्लियर। तो कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड हमको प्रोडक्टिविटी नहीं बताता है एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज की, लेकिन सिंगल फैक्टोरियल में हमको उस एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज की प्रोडक्टिविटी का भी पता चलता है। सो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज TS यानी कि सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड इक्वल्स टू TC इनटू FX। TC क्या हुआ? कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड मतलब PX बाई PM इनटू FX। FX क्या है? प्रोडक्टिविटी इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट इंडस्ट्री। इसका भी लिमिटेशन है, बट इट डू नॉट टेक इनटू अकाउंट द पोटेंशियल डोमेस्टिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इम्पोर्ट इंडस्ट्री इन द अदर कंट्री। यहाँ पे इसने जो लिया है वो सिर्फ प्रोडक्टिविटी इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, सिर्फ एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी ली है, लेकिन सामने वाली कंट्री जो जिससे हम इम्पोर्ट कर रहे हैं तो इम्पोर्ट इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी इसमें नहीं आती, वो नेक्स्ट टाइप में आती है, इसलिए उसका नाम है डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड। इट टेक्स इनटू अकाउंट प्रोडक्टिविटी चेंज बोथ इन द डोमेस्टिक कंट्री एंड इन दी अदर कंट्री। डोमेस्टिक कंट्री में एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी, और जिससे हम इम्पोर्ट कर रहे हैं तो सामने वाली कंट्री की इम्पोर्ट इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी। सो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज TC इंटू FX, ये तो था ही, लेकिन FX के साथ नीचे क्या आ जाएगा? FM। TC है हमारा कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड, क्लियर, इंटू FX बाय M, FM। FX क्या है? प्रोडक्टिविटी इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट, और FM क्या है? प्रोडक्टिविटी इंडेक्स ऑफ इम्पोर्ट। यहाँ पे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी आ जाएगी, इसलिए डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड। अ राइज इन डबल इंडेक्स फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ अ कंट्री मीन्स दैट प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी ऑफ द फैक्टर्स प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्ट हैज इंक्रीज रिलेटिवली टू द फैक्टर्स प्रोड्यूसिंग इम्पोर्ट्स इन द अदर कंट्री। यानी कि अगर डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड इंक्रीज होता है तो उसका मतलब है कि जो एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज है उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा इंक्रीज हुई है एज कंपेयर टू इंपोर्टिंग इंडस्ट्रीज। बट इट हैज नॉट बीन पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ एनी कंट्री बिकॉज इट इन्वॉल्व मेजरिंग एंड कंपेयरिंग प्रोडक्टिव चेंजेस इन द इम्पोर्ट इंडस्ट्री ऑफ द अदर कंट्री विद दैट ऑफ डोमेस्टिक एक्सपोर्ट इंडस्ट्री। इसका भी एक लिमिटेशन है कि एक इकोनॉमिस्ट ने इस डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड को मेजर करने का ट्राई किया था लेकिन वो फेल रहे, तो इसको कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल नहीं है। सिक्स्थ है रियल कॉस्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड। दिस इंडेक्स इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड विद द रेसिप्रोकल ऑफ एन इंडेक्स ऑफ द अमाउंट ऑफ दिस यूटिलिटी यूनिट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्ट कमोडिटी। क्या मतलब हुआ? अगर हम गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारी यूटिलिटी तो चली गई, अगर वो गुड्स हम एक्सपोर्ट नहीं करते तो उनको हम खुद यूज़ करते और हम यूटिलिटी गेन करते, क्लियर, लेकिन हमने तो एक्सपोर्ट कर दिया, तो जब एक्सपोर्ट करते हैं तब हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और जो इम्पोर्ट हम कर रहे हैं गुड्स तो हम यूटिलिटी उस इम्पोर्टेड गुड्स में गेन करेंगे, क्लियर। तो जो एक्सपोर्ट करते हैं उसमें हम यूटिलिटी को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और जिस गुड्स को हम इम्पोर्ट कर रहे हैं उन गुड्स में यूटिलिटी को हम गेन करेंगे। सो इट कैन बी एक्सप्रेस एज रियल कॉस्ट TR इक्वल्स टू TS। TS क्या है? सिंगल फैक्टोरियल इंटू RX। RX यानी कि डिस यूटिलिटी, हमने जो एक्सपोर्ट किया है उससे हमने कितनी यूटिलिटी को सेक्रीफाइस किया, TS इंटू RX। और TS को हम कैसे लिख सकते हैं? सिंगल फैक्टोरियल PX बाय PM इंटू FX, और ये RX, ये फॉर्मूला बन गया इसका। अ फेवरेबल रियल कॉस्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड इंडेक्स शोज दैट अमाउंट ऑफ इम्पोर्ट रिसीव इज ग्रेटर इन टर्म्स ऑफ रियल कॉस्ट इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्ट कमोडिटीज। यानी कि जो यूटिलिटी सेक्रीफाइस और यूटिलिटी गेन करने का डिफरेंस है वही तो हमारा प्रॉफिट है। अगर हम कम यूटिलिटी को सेक्रीफाइस करके ज्यादा यूटिलिटी गेन करते हैं उस टाइम पे रियल कॉस्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारे लिए क्या होगा? फेवरेबल होगा। इसका भी ड्रॉबैक क्या है? बट दिस इंडेक्स fails to measure the real cost involved in the form of goods produced for export which would be used for domestic consumption to pay for imports। लेकिन इसमें क्या involved नहीं होता कि जो goods हम export करने के लिए बना रहे हैं अगर वो goods को हम खुद ही utilize कर लें तो हमको कितनी utility का gain या loss होगा वो ये index नहीं बताता है, clear। Last जो type है वो है utility terms of trade। It measures changes in the disutility of producing a unit of export and changes in the relative satisfaction yielded by import and the domestic products foregone as the result of export production।
ये जो रियल कॉस्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड है उसका एक एडवांस वर्जन है। रियल कॉस्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड में हमने सिर्फ एक्सपोर्ट कॉस्ट को ध्यान दिया, यानी कि एक्सपोर्ट करने पर हमने कितनी यूटिलिटी, यानी कि एक्सपोर्ट करने पर हमने कितनी यूटिलिटी को सेक्रीफाइस किया, सिर्फ वो चीज ली गई थी रियल कॉस्ट में। यहाँ पे दोनों है, कितनी यूटिलिटी को सेक्रीफाइस किया, सामने से कितनी यूटिलिटी गेन की, तो इसलिए इसका एडवांस वर्जन हुआ ये। इट कैन बी एक्सप्रेस एज टी यू, यानी कि यूटिलिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड इक्वल्स टू टी आर, जो रियल कॉस्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड था, इंटू यू। तो टी आर का फॉर्मूला ये, इतना टी आर का फॉर्मूला हो गया टी एक्स बाय पी एक्स बाय पी एम इंटू एफ एक्स, और यू क्या है यहाँ पे, इंडेक्स ऑफ रिलेटिव यूटिलिटी ऑफ इम्पोर्ट्स एंड डोमेस्टिकली फॉर वन कम्युनिटी, यानी कि इम्पोर्ट करने पर हमने कितनी यूटिलिटी गेन की है। ठीक है, रियल कॉस्ट में सिर्फ सेक्रीफाइस वाली यूटिलिटी थी, यहाँ पे गेन और सेक्रीफाइस, यानी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों का ही कॉस्ट लिया गया है। इन फैक्ट इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर द डिस यूटिलिटी इन कंक्रीट टर्म्स, लेकिन हम एग्जैक्ट डिस यूटिलिटी या यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई द कॉन्सेप्ट ऑफ कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड ऑफ इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड हैव बीन यूज इन मेजरिंग द गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड इन डेवलप्ड एज वेल एज डेवलपिंग कंट्री। तो हमने देखो 7 टाइप्स पड़े टर्म्स ऑफ ट्रेड के, लेकिन सिर्फ दो ही ज्यादातर यूज होते हैं। एक है नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, जिसका दूसरा नाम है कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड, और जो दूसरा है वो है इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड, क्योंकि यही प्रैक्टिकल मेथड्स बनते हैं इंटरनेशनल मार्केट में जितना भी गेन हुआ है उसको मेजर करने के लिए फॉर बोथ द कंट्रीज, डेवलपिंग या डेवलप्ड। क्लियर? तो ये थे हमारे 7 टाइप्स ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।